तो चलिए देखते हैं सिंपल सी कढ़ी बनाने की रेसिपी। एक कप थिक कर्ड लिया है हमने दही, और ये खट्टा वाला है, और आधा कप हमने नारियल घिसा हुआ लिया है। इसी के साथ हमने लिया है 2 टीस्पून चावल का आटा, राइस पाउडर, और आधा टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और 2 से 3 हरी मिर्चों को हमने स्लिट कर लिया है। और हमें चाहिए 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 स्मॉल ऑनियंस और शैलट्स, अगर आपके पास स्मॉल ऑनियंस नहीं है तो प्याज का ही एक टुकड़ा ले ले। और तड़के के लिए हमने 1 टीस्पून हमने लिया है राई, 1/4 टीस्पून हमने जीरा लिया है, और 1/4 टीस्पून मेथी के दाने लिए हैं, और इसी के साथ 2 से 3 चुटकी हींग लिया है, और हमें चाहिए 2 से 3 लाल मिर्चें और थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये सब चाहिए हमें तड़के के लिए। तो सबसे पहले करी बनाने के लिए हम नारियल को पीस लेंगे। नारियल को हम मिक्सर में डालकर इसी के साथ जीरा, लहसुन और स्मॉल ऑनियंस डालकर इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। देखिए नारियल को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, अब इसी के साथ हम दही डाल देंगे, और दही को भी मिलाकर हम अच्छे तरह से इसको पीस लेंगे। तो देखिए दही और नारियल का पेस्ट रेडी है, तैयार है। इसको हम साइड में रख देंगे और बाकी के प्रिपरेशंस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक बर्तन लिया है, जिस भी बर्तन में आपको करी बनाना है वो बर्तन ले ले, और उसमें राइस पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता डाल दे, और 3/4 कप पानी डालकर इसको अच्छे से डिज़ोल्व होने तक मिक्स कर ले। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे मीडियम आंच पर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बॉईल होने देंगे। पानी जब बॉईल होने लगे तभी इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉईल करके लेना है, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए हमने 2 से 3 मिनट तक पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है, और ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हमने जो नारियल और दही मिक्स करके पीस करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है करी, तो हम इसमें 1/2 कप पानी और डाल देंगे। मिक्सर जार में ही जो नारियल बचा था उसमें हमने पानी डालकर वो भी डाल दिया है, और देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें करी की। अब हमें चलाते हुए ही इसे पका लेना है, इसको कंटिन्यूस चलाते हुए हमें इसे पका लेना है और बॉईल होने देना है। हाथ हटाए बिना हमें इसे चलाते हुए पका लेना है और एक बॉईल आने देना है। जैसे ये बॉईल होने लगे, अच्छे से बॉईल हो जाए एक बारी, तो हम गैस ऑफ कर देंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल होने लगा है। अब बस हम इसे गैस ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। अब तड़के की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए हमने पैन गरम कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। तेल आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें, हमने करीब 1.5 टेबल स्पून तेल डाला है। अब तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम राई, जीरा और मेथी के दाने डाल देंगे, और इसको स्प्लटर कर देंगे। राय, जीरा और मेथी दाने जब अच्छे से स्प्लटर हो जाए तो इसमें हींग डाल देंगे, और साथ ही में लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स करके इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे। तो बस हमारी कढ़ी तैयार है। बहुत ही आसान है, सिंपल है और टेस्टी है, झटपट तैयार होने वाली एक कढ़ी है। तो आप इसको निकाल लें अब और सर्व करें, और राइस के साथ इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है बनाने में। तो आप ट्राई करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल भी प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।